एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शाहीन बनारसी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज, खबर वही जो हो सही। आज हम आपको लेकर फिर चल रहे हैं जंगल की अनोखी दुनिया में। आज हम विश्व राइनो डे के अवसर पर बात करेंगे राइनोसोरेस यानी कि गेंडा की, जिसके लिए आपको जाना होगा दुनिया भर में मशहूर लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में। आखिर दुनिया में कहां कहां पाए जाते हैं राइनो, कितनी है प्रजातियां, इन सभी दिलचस्प बातों को जानने के लिए देखिए लखीमपुर खीरी से हमारे नुमाइंदे फारूक हुसैन साहब की रिपोर्ट। विश्व राइनो डे पर देखिए स्पेशल स्टोरी, आखिर क्यों खास है वन्यजीव प्रेमियों के लिए ये दिन। दुधवा टाइगर रिजर्व के साथ साथ कहां पाए जाते हैं ये दुर्लभ राइनोसॉर्स, आखिर क्यों माना जाता है राइनोसॉर्स को डायनासोर की प्रजाति, आखिर क्यों दुधवा के जंगलों में राइनोसॉर्स को रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक बाड़े में, इन सब सवालों के जवाबों को जानने के लिए करिए हमारे साथ दुधवा के जंगल की सैर, और साथ ही देखिए दुनिया भर के राइनोसॉर्स की जानकारी। आइए आज हम आपको पृथ्वी पर आए दुनिया के सबसे बड़े जीव डायनासोर की तरह ही एक जीव से मिलवाते हैं। आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राइनोसॉर्स की, जिसे हम गैंडा कहते हैं। कुछ लोग राइनोसॉर्स गैंडा को डायनासोर की ही प्रजाति बता देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डायनासोर सरीसृप होते हैं जो गर्म और ठंडे दोनों खून वाले होते हैं, और राइनोसॉर्स यानी कि गैंडा स्तनपाई केवल गर्म खून वाले जीव होते हैं। दोस्तों आज वास्तव में राइनो दिवस है, और आज हम आपको विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहे दुर्लभ वन्य जीव गैंडो के बारे में जानकारी देंगे, जिसके लिए आपको चलना होगा लखीमपुर खीरी जिले के विश्व विख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में। दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडा दिवस पर खुशी की खबर भी सामने आई है, जहां दुधवा में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गणना के अनुसार अब गैंडों की संख्या 40 से बढ़कर 46 हो गई है। आपको बता दें दुधवा टाइगर रिजर्व में सन 1984 में गैंडो को उनकी खोई जमीन पर बसाया गया था, क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत रुचि पर संभव हुआ था, जिसके बाद हवाई जहाज से असम से 5 मेल और फीमेल गैंडो को लाया गया था। गैंडो को एकांत पसंद व्यवहार को लेकर उनको दुधवा के सलूकापुर वन रेंज में इलेक्ट्रॉनिक बाड़े में लाकर रखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक बाड़े में इसलिए रखा गया था कि वो एकांत पसंद है और अन्य जानवरों को नुकसान होने के संदेह पर भी ये किया गया था। फिलहाल तराई की धरती की आबोहवा इनको खूब भाई और कुनबा फलने फूलने लगा। अब दुधवा में सलूकापुर में चल रहे गैंडा पुनर्वास केंद्र में लगातार इनका कुनबा बढ़ रहा है, और भी कई गैंडा पुनर्वास योजना भी चलाई जा रही है। दोस्तों अपने दुधवा टाइगर रिजर्व में ग्रेटर यानी कि एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है, जबकि कई जगह पर दो सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। भारत में असम के बाद अगर सबसे ज्यादा गैंडे हैं तो वो हैं यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व में। असम के काजीरंगा, पवित्रा और मानस नेशनल पार्क के बाद तराई की धरती ही इस सबसे बड़े जीव से आबाद है। दोस्तों 1990 के दशक से ही गैंडा परिवार विलुप्ति की ओर पहुंचने लगा था, जिसके बाद विलुप्त हो रहे गैंडों की प्रजाति को बचाने के लिए हर साल विश्व गैंडा दिवस मनाया जाने लगा। सन 2010 के करीब इनकी संख्या 30,000 के करीब ही बची थी। वैसे पूरे विश्व में अफ्रीका और एशिया में गैंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जवान गैंडा, गैंडा सोडाइकस, सुमात्रा गैंडा डिसोरेनस, सुमाट्रेंसिस, काले गैंडे डाइसेरोस,
बाइक्रोनिस सफेद गेंडे, सेराटोथेरियम सिमम, ग्रेटर एक सींग वाले गेंडे गेंडा यूनिकॉर्निस हैं। फिलहाल विशेषज्ञों की माने तो सन 2023 में गेंडों की संख्या 27,000 के करीब ही बची है, जिनमें भारत में इस वक्त 2900 से ज्यादा गेंडों की संख्या बताई जा रही है। विश्व में अधिकांश जंगली अफ्रीकी गेंडे अब केवल 4 देशों में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे और केन्या। वे मुख्य रूप से घास के मैदानों और खुले सवाना में घूमते हैं। दोस्तों, इनकी मौतें अधिकतर आपसी संघर्ष के कारण ही होती हैं, और इसके अलावा शिकारी का निशाना भी ये आए दिन बनते हैं, क्योंकि इनकी सींग काफी कीमती मानी जाती है, जिससे इन वन्य जीवों की खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल इनको बचाना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। ये थी गेंडे के संबंध में हमारी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश। आपका इखलाक, आपका मोहब्बत हमको ऐसे ही मिलता रहे। हम आपको ऐसे ही खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें।